साहब का प्रचार करते रहे और उनका झूठ का पलंदा आप लोगों ने देखा कि मियां साहब जाने की नहीं। और ऐसी जमात को हमने रिजेक्ट करना है भाइयों। 25 तारीख को कमल के फूल पे मोर लगा के भारतीय जनता पार्टी की हिंदुस्तान की अजीम लीडरशिप का शुक्रिया अदा करना है। दो बड़ी बरादरियां रुझानी और पूछ में गुजर और पहाड़ी के नाम से थी, उनको हमेशा इन लोगों ने स्थान किया सियासी तौर पे, इनको अलग अलग उन्होंने बातें करके कहा कि हम आपको शेड्यूल टाइम देंगे, लेकिन 50-60 साल हो चुके हैं, हमारी वो डिमांड कहीं पूरी नहीं हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो अजीम काम किया। दानी करता हूँ कि आज आपके जो कदम इस पुंछ में पड़े हैं, यहाँ की आवाम ने आपको दिल से कबूला है और वो वक्त दूर नहीं, ये सीट आपकी झोली में पड़ेगी। इस 90% मुस्लिम मजाटी जो हमारी सीट है, इसमें हर घर में आज कमल का फूल खिल रहा है और इसका सारा सेहरा हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री और आपको जाता है। हमारे नौजवानों के मसाइल हैं, बेरोजगारी के मसाइल हैं, चुनाव मैनिफेस्टो में भी आपने रखा है कि हम 5 लाख नौकरियां जो है हम नौजवानों को देने जा रहे हैं अगर हमारी सरकार यहां बन जाएगी। मेरी आपसे अपील है कि अल्लाह के फजल करम से आज वो वक्त आ चुका है, ऐसे जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा तब्दीली के हक में है और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कमल के निशान पर बटन दबाने के लिए तैयार है। और हम चाहते हैं कि यहाँ डबल इंजन की सरकार बने, इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि पूंछ खिता के लिए आपकी खुसूसी तवज्जो की हमें जरूरत है। हम बॉर्डर पर रहते हैं, हमारे लोगों के पास रोजगार नहीं, यहाँ इंडस्ट्री नहीं, हमें सबसे बड़ी सपोर्ट जो है वो हिंदुस्तान की अजीम फौज से मिल रही है। हमारे लाखों लोग जो है आर्मी के साथ जुड़े हुए जो है अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। यकीन दानी करता हूँ कि आज आपके जो कदम इस पुंछ में पड़े हैं, यहाँ की आवाम ने आपको दिल से कबूला है और वो वक्त दूर नहीं, ये सीट आपकी झोली में पड़ेगी। हम कश्मीरी लीडरशिप से तंग आ चुके हैं, हमने हमेशा भरोसा किया हमारी राष्ट्रीय पार्टियों पे, जिन्होंने हमें मजहबों में बांटा, हमें बिरादरी में बांटा। आप लोगों ने जो पिछले साल एक बहुत बड़ा काम किया रजौरी पूंछ के लिए, जो दो बड़ी बिरादरियां रजौरी और पूंछ में गुजर और पहाड़ी के नाम से थी, उनको हमेशा इन लोगों ने स्थान किया सियासी तौर पे, इनको अलग अलग उन्होंने बातें करके कहा कि हम आपको शेड्यूल टाइम देंगे, लेकिन 50-60 साल हो चुके हैं, हमारी वो डिमांड कहीं पूरी नहीं हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो अजीम काम किया। जहां खड़े हैं इस शहर के लोग कई बार एसी के लिए डिमांड करते रहे, हालांकि बॉर्डर 3 किलोमीटर यहां से दूर है, लेकिन इन्होंने एसी में के जुमला में नहीं लाया। आज आपने वो बहुत बड़ा काम किया है कि आज हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा को मजबूत किया है। गुजर और पहाड़ी आज सब लोग इस पंडाल के अंदर आपको नजर आएंगे और आपके स्टेज पर भी बैठे हुए हैं। आज बहुत सारे मेरे साथी यहाँ जैन होना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की स्कीमों से मुतासर होकर जैन हो रहे हैं, जो आपने गरीब आवाम को ऊपर उठाने के लिए काम किए हैं। आपने आज हर पंचायत के अंदर 300-400 जो मकान दिए पीएमएवाई के तहत, आपने गरीब और ग्रामीण का फर्क बताया, उसके लिए हम आपके जाती तौर पर शुक्र गुजार हैं। मैं अब हमारे कुछ साथी आज जॉइन होना चाहते हैं।